दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिन बुलाए दूसरों की शादी में घुस के कैसे खाना खाते हैं। इस बार मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बहन को भी साथ में लेके आ गया ताकि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो अपनी बहन को फंसा के मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। अंदर एंटर करते ही आपको जो भी सामने दिखेगा उसको गले लगा लेना है। इससे क्या होगा, शादी में मौजूद लोगों को लगेगा आप दूल्हा दुल्हन के कोई रिश्तेदार हो। कौन है भाई तू? तू बंटी नहीं है? नहीं भाई। अंदर एंटर करने के बाद आपको दुल्हा दुल्हन की तरफ देखना ही नहीं है क्योंकि आपका फुल फोकस वहाँ होना चाहिए जहाँ पे खाना सर्व हो रहा हो। भाई हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, खाना शुरू कर देगा। चुप, हमारी बहन का इन सब चीजों में एक्सपीरियंस है ही नहीं दोस्तों। आप कभी गलती से भी आते ही खाना स्टार्ट मत कर देना। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि शादी में मटन बनाए कि नहीं। अगर यहाँ मटन ना मिला तो बाजू में दूसरी शादी चल रही है उनके रिसेप्शन में घुस जाने का। Nice. बहन के रिएक्शन से लग रहा है शायद यहाँ मटन बना हुआ है। फिर आपको थोड़ी देर आइसक्रीम खा के टाइम पास करना है जब तक खाने के स्टॉल में भीड़ ना बढ़ जाए। भाई ले पकड़, अब देरी मत कर, ले पकड़। अरे टिश्यू पकड़ रहे। ठीक है चल अभी जल्दी जल्दी प्लेट भर। अबे ये चम्मच वगैरह डाल के प्लेट मत भर रे, खाने के आइटम्स भर। अबे लड़की ये प्याज ककड़ी में टाइम वेस्ट मत कर, मेन कोर्स की तरफ चल। हाँ चल चल चल। ये लो ये अभी से ही शुरू हो गई। अबे प्लेट तो भर दे पहले। भाई पीछे लग जा जल्दी। हाँ भाई पूरी डालो। ओके okay. अरे और एक डालो यार। ओके okay. अरे भाई इतना सा क्यों लाया है, देख मेरा प्लेट ओवरफ्लो हो रहा है। दीदी ये जो दुल्हन है ना, बचपन में मेरे सर से जुए निकालती थी वो। भाई आप यकीन नहीं करोगे, ये जो दुल्हा है एक ही चड्डी पहन के हम स्कूल जाते थे बचपन में। बताओ आज शादी कर रहा है बेचारा। अबे जल्दी खत्म कर, दूसरी बार भी जाना है। दूसरी बार जाने से पहले ध्यान रहे कि आपके चेहरे पे पसीने नहीं होने चाहिए वरना लोगों का शक आपके ऊपर बढ़ सकता है। दोस्तों इतना नर्वस मैं अपनी शादी के दिन भी नहीं था। भाई आपका जो मन करे दे दो, कुछ बचा कुछ आए तो दे दो यार। हाँ बस बस थैंक यू, बच गए। भाई उन दोनों को तुमने बुलाया है क्या? नहीं तो Excuse me, भाई तुम किसके तरफ से हो? मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। और मैडम आप किसके तरफ से हो? अच्छा मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। सिक्योरिटी? अरे भाई भाई सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हो? गए सालो, ये बर्थडे पार्टी चल रहा है इधर। धोखेबाज बहन मुझे हमेशा ऐसे हालत में छोड़ के चले जाती है। दोस्तों आज के वीडियो से हमने ये सीखा कि बिन बुलाए किसी अनजान की पार्टी में घुसना खतरे से खाली नहीं है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग बड़े दयालु निकले जो बस दो चार लात मार के मुझे छोड़ दिया। इसी तरह के अच्छे अच्छे टिप्स पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दें।